नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, सरकार और जिला प्रशासन तमाम तरह के दावे भले ही करते हों, लेकिन बिहार में एक सत्य यह भी है कि बालू के अवैध खनन पर रोक लगा पाना मुश्किल सा दिखता है। कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है वो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि प्रशासन की कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये तस्वीर आप देखिए भागलपुर जिले की है, जहां सड़कों पर हाय हाय करते हुए आपको ट्रैक्टर चलते दिखाई दे रहे होंगे, और ये ट्रैक्टर अवैध बालू की ढुलाई के लिए लगाए गए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भागलपुर जिले में ही नहीं बल्कि बिहार के तमाम जिले में ऐसी तस्वीरें आती हैं, लेकिन फिलहाल भागलपुर जिले में अवैध बालू का खनन जो है नहीं रुक रहा है। और इस पर सबसे खास बात यह है कि विभाग सो रहा है, विभाग को पता तक नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम डीआईजी विवेकानंद की बात सुनते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कार्रवाई करेंगे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध बालू खनन सरकार की प्राथमिकता, अवैध बालू खनन को रोकना हमारी प्राथमिकताओं में से है, और इस पे जहाँ से खनन हो रहा है या इसका ढुलाई जो हो रही है, इस पे सभी विभाग को समन्वय बनाकर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हम लोग इसमें जो है जिला प्रशासन से भी मिल करके काम करेंगे, और DTO माइनिंग अफसर सभी को इन्वॉल्व करके ड्राइव चला करके इस पर और गंभीरतापूर्वक काम किया जाएगा। तो सुना आपने, बात वही कही जा रही है जो हर बार कही जाती है कि बिहार में आखिर अवैध बालू खनन पर रोक कब लगाई जाएगी। देखिए, एक तरफ जहां बिहार में बालू की कीमत लगातार आसमान छू रही है, घर बनाने वाले घर को सपना समझकर अब चुप बैठ गए हैं, ये सोच रहे हैं कि घर बनाना फिलहाल हमारे बस की बात नहीं है। मिडिल क्लास की बात कर लेते हैं तो उन पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है इस महंगाई की, और इस दौर में बालू की कीमत का बढ़ जाना लोगों के लिए काफी मुश्किल पैदा कर रहा है। और यही कारण है कि ऐसी तस्वीरें जब निकलकर सामने आती है तो कहना पड़ जाता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं ढिलाई बरत रहा है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। यह तस्वीर भागलपुर जिले की है। सुबह से ही अवैध बालू लदे ट्रैक्टर सड़कों पर धड़ल्ले से चलते हैं। बालू माफियाओं में पुलिस का खौफ नहीं बचा है। अवैध खनन पर प्रशासन का भी कोई खास ध्यान नहीं है, जिसके कारण अवैध रूप से तेज गति बालू लदे ट्रैक्टर के कारण जिले में सड़क हादसों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। भागलपुर जिले के शाहकुंड, जगदीशपुर, टोपी बाईपास, बबरगंज, मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र होकर अहले सुबह से ही ट्रैक्टर धड़ल्ले से चलती हैं, और प्रशासन सिर्फ कार्रवाई करने के नाम पर खानापूर्ति करता है, ये आरोप लोगों का है। खनन विभाग तो इसका इतना लापरवाह बना हुआ है कि इसकी खबर तक विभाग को नहीं है। अब डीआईजी विवेकानंद से जब बातचीत की गई तो उन्होंने इस पर आश्वासन तो जरूर दिया है कि ऐसी चीजों पर लगाम लगनी चाहिए, विभाग को जागना चाहिए, लेकिन क्या विभाग जागेगा? बिहार में अवैध बालू पर खनन पर रोक लगाने के लिए विभाग आखिर कब जागेगा, कब कार्रवाई होगी? हालांकि बीच बीच में रह रहकर यह बात भी सामने आती है कि अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। दो एक दिन बीत जाने के बाद फिर से वही तस्वीर निकलकर सामने आने लगती है, तो समझ सकते हैं बिहार में सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।